हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि ये सीरीज ऑफ वीडियो है जिसमें हमने पिछले वीडियो में सेल जंक्शन के बारे में देखा था कि सेल जंक्शन क्या है, उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था। सो नाउ इन दिस वीडियो हम लोग सेल जंक्शन का एक टाइप जिसका नाम है एनकोरिंग जंक्शन, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये एनकोरिंग जंक्शन है क्या, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनकोरिंग जंक्शन, सो एनकोरिंग जंक्शन एज अ नेम सजेस्ट, एंकोर करना मींस कुछ न कुछ चीज को क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो यहां पर क्या है, एनकोरिंग जंक्शन मींस ये क्या करता है, सेल टू सेल को होल्ड करके रखता है, दो सेल को एक दूसरे से होल्डिंग का काम करता है, इसलिए इसका नाम है एंकोरिंग। सेल टू सेल भी हो सकता है या सेल टू उसके सराउंडिंग में जो मैट्रिक्स है उससे क्या करता है, ये होल्ड करने का काम करता है। तो जिसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या करता है, वो एंकोर करता है। किसको एंकोर करता है, बिटवीन टू सेल को या फिर सेल और उसके मैट्रिक्स को। अभी और इसकी क्या खासियत है कि ये इट इज अ मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ जंक्शन, मोस्ट अबंडेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। ये क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल जंक्शन है इन द बॉडी। मींस बॉडी में जितने भी सेल जंक्शन पाए जाते हैं उसमें मोस्टली द जंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंकोरिंग जंक्शन होता है। अब ये कहां कहां मिलता है, ये मिलता है एपिडर्मिस, जितना भी एपिडर्मिस सेल्स हैं उनके बीच में मिलता है, हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स और जितने भी जहां पर भी मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, सो जहां पर भी मैकेनिकल स्ट्रेस मिलता है वहां पर ये एंकोरिंग जंक्शन पाए जाते हैं। तो ये था एंकोरिंग जंक्शन के बारे में। अभी दिस एंकोरिंग जंक्शन आर मेड अप ऑफ टू प्रोटीन्स, नंबर वन नंबर टू, मतलब ये जो एंकोरिंग जंक्शन है दो सेल के बीच में है, जंक्शन है तो ये दो चीजों से बना होता है, नंबर वन इंट्रा सेल्यूलर प्रोटीन्स, इंट्रा सेल्यूलर प्रोटीन्स, एंड सेकेंड वन इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अभी नाम से ही सजेस्ट आ रहा है, इंट्रा इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज। इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन टू सेल्स, इंट्रा मींस क्या होता है, विद इन द सेल्स। तो ये सेल है, ये कहां मिलते हैं, इनका लोकेशन इनसाइड द सेल होता है, ये सेल के अंदर या फिर इस सेल के अंदर। तो इनका लोकेशन कहां है, इनसाइड द सेल। तो ऐसे प्रोटीन जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर प्रोटीन। ये जो इंट्रा सेलुलर प्रोटीन होते हैं दे आर मेनली इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो ये प्रोटीन्स होते हैं जो इनसाइड मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मींस ट्रांस मींस जो पास हो रहा है किससे, मेम्ब्रेन से। सो ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन से पास हो रहा है मींस वो इनसाइड आउटसाइड और मेम्ब्रेन तीनों जगह पर पाया जाता है, ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे हैव थ्री डोमेन्स, नंबर वन साइटोसोलिक डोमेन। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं इनके तीन डोमेन्स होते हैं, पहला साइटोसोलिक डोमेन, सेकंड साइटोसोलिक डोमेन, सेकंड इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, एंड लास्ट वन इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये तीन, इसके तीन डोमेन्स होते हैं, कौन कौन से, साइटोसोलिक डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। साइटोसोलिक डोमेन
साइटोसोलिक नाम ही है साइटो, साइटोसोल, साइटोसोल मीन्स होता है साइटोप्लाज्म। तो ये कहां पर, ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक्चुअली कैसा होता है, ये रीजन इसका एंड इसका ये रीजन, तो ये जो है साइटोसोलिक डोमेन। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसका जो ये साइड वाला रीजन है, वह रीजन जो इनसाइड द सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक डोमेन। नेक्स्ट वन इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, वो जो इस रीजन से पास हो रहा है, जो मेम्ब्रेन के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर, समझो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये ऐसा होगा, तो जो इनसाइड द सेल है वो साइटोसोलिक, जो बिटवीन मेम्ब्रेन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन, और जो आउटर डोमेन होता है सो इट इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। सो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, मीन्स आउटसाइड मिलता है, ये है ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन एंड दिस वन इज अ साइटोसोलिक डोमेन। अभी ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इस प्रोटीन में भी देर आर सम एग्जाम्पल, सम प्रोटीन फैमिली विच आर द पार्ट ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उनके नाम है जैसे एक मिनट मैं इरेज करता हूं, सो एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटीन विच आर पार्ट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, कुछ एग्जाम्पल जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के पार्ट होते हैं या उनकी उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे आर कैदरिन, कैदरिन फैमिली, कैदरिन सुपर फैमिली और फैमिली बोल सकते हैं। सो जो कैदरिन फैमिली के प्रोटीन्स होते हैं वो, सेकेंड इज अ इंटेग्रिन फैमिली, जो इंटेग्रिन सुपर फैमिली के होते हैं दे आर, नेक्स्ट वन इज अ इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन एंड सेलेक्टिन्स। तो ये जो चार टाइप के सुपर फैमिली, जो प्रोटीन फैमिलीज हैं, ये होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं। तो ये था कि एनकोडिंग जंक्शन के बारे में। नाउ द एनकोडिंग जंक्शन, एनकोडिंग जंक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स, हम लोग तीनों टाइप के बारे में भी देखने वाले हैं कि ये तीनों टाइप कौन कौन से हैं। सो द फर्स्ट वन इज अ डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स, नेक्स्ट वन इज अ हेमिडेस्मोसोम्स एंड द लास्ट वन इज अ अधेरेंस। तो ये तीन टाइप के हैं एनकोडिंग, एनकोडिंग जंक्शन के तीन टाइप्स होते हैं, डेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम्स एंड अधेरेंस। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये तीनों टाइप्स के, इनके फंक्शंस, इनके स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन स्टे विथ अस, थैंक यू। वन इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए कि अगर आप CSR नेट, DBT, ICMR, गेट जैसे एग्जाम को देना चाहते हैं, उसके एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके लिए एक ग्रुप है ऑन टेलीग्राम विच इज नोन एज अ बायोशाला। ये बायोशाला ग्रुप में इन एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी, इससे रिलेटेड, इन एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो PYQs वहां पे डिस्कस होते हैं, क्विज होता है वहां पर, और ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर नीडेड फॉर टू क्लियर दीज एग्जाम्स, वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन, बुक्स आर अवेलेबल है। सो अगर आप सच में एस्पिरेंट्स हैं, इन एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, सो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।